अंडरवर्ल्ड डॉन और भारत के मोस्ट वांटेड भगोड़े दाऊद इब्राहिम की आवाज पश्चिमी देश की एक खुफिया एजेंसी ने रिकॉर्ड की है। ये संभवतः पहली बातचीत है जिसमें दाऊद पाकिस्तान के कराची शहर से अपने कारोबार के बारे में फोन पर दुबई बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में दाऊद इतना निडर है कि वह फोन पर बातचीत में एक कारोबारी को कहता है कि मैं प्रधानमंत्री से कम नहीं हूं, मैं ही कोच हूं और मैं ही जज हूं। एक हिंदी समाचार चैनल पर प्रसारित इस रिकॉर्डिंग में दाऊद दुबई के अपने संपर्क सूत्र से एक जमीन के सौदे के बारे में बात कर रहा है। दुबई के अपने कारोबारी सहयोगी जावेद से बातचीत में दाऊद शांत से बताता है कि दुबई में उसकी 5 लाख वर्ग फीट की जमीन है जिसकी कीमत करीब 1100 करोड़ रुपए है। दाऊद यह भी दावा करता है कि कराची में उसकी सैकड़ों करोड़ की बनामी संपत्ति है। दाऊद का जहां तक प्रश्न है वो मोस्ट वांटेड लोगों में से है, जिसके संबंध में कि भारत ने भी पाकिस्तान से कहा है कि उसे हवाले किया जाना चाहिए और प्रतीक्षा कीजिए। लेकिन जितनी भी घटनाएं हुई हैं, जिस तरह की पेशावर में हुई उसके बाद भी भारत ने सख्त शब्दों में जो अपनी मांग थी उसको पुरजोर तरीके से रखा था, प्रधानमंत्री जी ने खुद बात की थी, किस दिशा में आगे उम्मीदें देश की जनता रखे? हमारे देखिए, अब आगे आगे देखते रहिए। लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने एक दफे कहा था कि हमारे यहाँ अच्छे आतंकवादी हैं और बुरे आतंकवादी हैं। अच्छे आतंकवादी हमारे देश को फायदा पहुंचाते, इसलिए हम उसको क्यों तंग करें, क्यों उनके एक्शन खिलाफ लें। दूसरे बुरे आतंकवादियों उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। तो ये उनका प्राइम जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है पाकिस्तान का। तो दाऊद इब्राहिम जो है एक अच्छे, उनके लिए अच्छे आतंकवादियों जैसा माना जाता है, क्योंकि प्रॉक्सी वार जो कर रहे हैं वो अच्छे आतंकवादी कर रहे हैं हिंदुस्तान के खिलाफ। हिंदुस्तान जो अच्छे आतंकवादी जिनको मानते हैं, इनको पाकिस्तान गवर्नमेंट का सपोर्ट है, आर्मी का भी सपोर्ट है। हम लोग बहुत समय पहले कह रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में छुपा और आतंकवादी अपनी गतिविधियों को वहां से जारी रखा हुआ है। पाकिस्तान को पेशावर के कांड के बाद अब सबक लेना चाहिए और इस तरह की गतिविधियों को रोकना चाहिए। जो आतंकवादी लोग वहां बैठे हैं उनको वहां से पकड़ के उनको निकाला जाना चाहिए। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।